ता तस्मिन् ग्रामे उस गांव में नवती स्त्रियः सन्ति नवती नब्बे स्त्रियः स्त्रियां सन्ति हैं तासु उनमें से पंचाशीति पचासी यानी 85 संख्यकः स्त्रियः 85 स्त्रियां पठनार्थम पढ़ने के लिए आगच्छन्ति आती हैं नराश्च और आदमी शताधिकम 100 से अधिक आगच्छन्ति आते हैं निरक्षराः तु निरक्षर तो अष्ट समूहेषु 8 समूहों में विभक्ता सन्ति बटे हुए हैं प्रत्येकम वर्गम प्रत्येक वर्ग को एक है शिक्षक है पाठ्यति एक शिक्षक पढ़ाता है समये समये समय समय पर अस्माकं संचालिका अपि हमारी संचालिका भी आगत्य आकर निरीक्षणम करोति निरीक्षण करती है केंद्रे केंद्र में वयम हम अष्ट शिक्षकः 8 अध्यापक में हैं सुधा किमते क्या वे युष्मभ्यम तुम्हें शुल्कम अपि फीस भी यच्छन्ति देते हैं लता न ते नहीं वे अस्मभ्यम हमें शुल्कम न यच्छन्ति फीस नहीं देते हैं साक्षरता केंद्रे अध्ययनम अध्यापनम पढ़ना पढ़ाना निशुल्कम भवति निशुल्क होता है सुधा तव कार्यम अतीव शोभनम तब तुम्हारा कार्यम कार्य अतीव बहुत अधिक शोभनम सुंदर है अच्छा है अहम अपि मैं भी तव्या सह तुम्हारे साथ साक्षरता केंद्रम चलिष्यामि साक्षरता केंद्र चलूंगी लता अथ किम और क्या यदि वयम मिलित्वा मिलकर एतत् कार्यम करिष्यामः यह काम करेंगे तस्तर्हि तो अस्मिन् ग्रामे इस गांव में को अपि कोई भी न रहे आदमी निरक्षर न भविष्यति निरक्षर नहीं होगा न का अपि नारी न कोई भी स्त्री निरक्षरा स्थास्यति अनपढ़ रहेगी शिक्षिता नारी पढ़ी लिखी स्त्री गृहस्य भूषणम भवति घर का गहना होती है शिक्षां प्राप्य शिक्षा प्राप्त करके नार्यः स्त्रियां अन्यायस्य अन्याय का प्रतिकारम कर्तुम प्रतिकार करने में समर्था भविष्यन्ति समर्थ हो जाएंगी शिक्षया एव शिक्षा द्वारा ही जनाः जानन्ति लोग जानते हैं किम उचितम किम च अनुचितम क्या उचित है और क्या अनुचित है शिक्षया शिक्षा द्वारा एव ही जनाः लोग संसारे संसार में सम्मानम सम्मान प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं शिक्षा द्वारा ही लोग संसार में सम्मान प्राप्त करते हैं सुधा एते लाभा शिक्षाया ये लाभा लाभ हैं शिक्षाया शिक्षा के अहम अपि मैं भी अस्मिन् इस पुण्य कर्म द्वारा आत्मानम स्वयं को योजितुम जोड़ना इच्छामि चाहती हूँ लता तरही तो कथम विलंबे देरी किस लिए शुभस्य शीघ्रम जो करो जल्दी करो या शुभ कार्य के लिए देरी कैसी आगच्छ आओ आवाम हम दोनों केंद्रम प्रति चलावे हम दोनों केंद्र की ओर चलती हैं उभौ गायत है दोनों गाती हैं मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते मातेव माता के समान रक्षति रक्षा करती है पितेव पिता के समान हिते नियुक्ते हित के कार्य में लगाती है कांतेव पत्नी के समान चाभिर्मयति आनंदित करती है सुख दुख का ध्यान रखती है अपनी खेदम दुख को कष्ट को दूर करती है लक्ष्मीम तन्नोति धन को बढ़ाती है वितनोति च दिक्षु कीर्तिम और चारों दिशाओं में दिक्षु दिशाओं में वितनोति फैलाती है कीर्तिम यश को
किम किम ने साध्यति, क्या क्या ने नहीं साध्यति, सिद्ध करती है कल्पलते विद्या, कल्पलता के समान विद्या, कहो क्या क्या नहीं सिद्ध करती, अर्थात विद्या से सभी कार्य सिद्ध होते हैं।